थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है। तो इतने सालों के बाद मैंने सोचा जिससे मैं हूँ मैं उसी के बारे में एक पोयम लिखी है, तो आप सुनिएगा। शायद याद तो नहीं मुझे मेरा पहला दिन, पर तेरी आंखों से तो जरूर देखा होगा। कितने किस्से कितनी कहानियां जुड़ी हैं तुझसे मेरी, जब सुनती हूँ तो आत्मनिर्भर सी हो जाती हूँ। पहले ही दिन की गलती, सब जगह ढिंढोरा कि लड़का हो गया। बस मिठाई बटने ही वाली थी कि ताई ने आकर सबको बताया कि लड़का नहीं लड़की है, और ये सुन सबका सिर चकराया। जहां तक मुझे याद है कैसे तुम मेरी तख्ती सहेज कर रखती थी। तख्ती वो होती है ना वुडन की जिसपे मम्मा कच्चे करती है, वो वाली। कैसे तुम मेरी तख्ती सहेज कर रखती थी, खुद पुताई कर सुखा कर कच्चे भी खुद ही करती थी। कौन कहता है राजकुमारी सिर्फ महलों में रहती है, कभी जनाब फुर्सत से किसी माँ के दिल की खिड़की तो खोल कर देखना। आज वो खुद कौन पढ़ कहने वाली माँ, आज वो खुद कौन पढ़ कहने वाली माँ, शायद भूल गई थी कि अनार से ज्ञानी तक थप्पड़ के साथ पड़ी ये छोटी ई ये पहाड़े और गिनती सब उसने ही सिखाई। आज ये आंचल और भी सार्थक और सुकून भरा लगा जब मेरा खुद माँ के रूप में पदार्पण हुआ, क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी गुड़िया। आज ये आंचल और भी सार्थक और सुकून भरा लगा जब मेरा खुद माँ के रूप में पदार्पण हुआ। मैंने सीखा आपसे एक माँ ना तो हारती है, ना टूटती है और ना ही बिखरती है। वो हर तूफान से लड़ जाती है, हमें निखारती है, दुलारती है और नालायक से लायक बनाती है। माँ तू सबसे सुंदर है, तू सबसे विशिष्ट है, तू कृष्णा जी की कृति है और मेरी इस जीवन की तू ही धृति है। ना शब्द है मेरे पास और ना मेरी हिम्मत है अब तुझ पे और लिखने की। तू नायाब है, तू समर्पण है, तुझसे ही मेरी हर सांस निकलती। ये जिंदगी बस तेरे लिए है, हर जन्म मुझे तुझसे ही मिले। तेरी लाखों दुआओं में मैं रहूं और उन दुआओं का असर हमेशा मुझ पर रहे। ये कुछ लाइंस हैं जब अकेली लड़की बैठी होती है, मतलब कल्पनाएं करती है कि कैसा मेरा प्रेमी होगा, तो उसी के बारे में। बैठ अकेला मेरा अंतर्मन अक्सर ऐसे सोचा करता है, बैठ अकेला मेरा अंतर्मन अक्सर ऐसे सोचा करता है, प्रियतम के अधरों से कुछ भी सुनने को तरसता है। बैठ अकेला मेरा अंतर्मन अक्सर ऐसे सोचा करता है, प्रेयसी तो हूँ मैं उसकी, प्रेयसी तो मैं हूँ उसकी, फिर क्यों उसके नजाकत में खो जाने को ये मन मचलता है। बैठ अकेला मेरा अंतर्मन अक्सर ऐसे सोचा करता है, दर्पण में निहार निहार अपने यौवन को, क्यों निश्चल सा प्रेम उसके लिए उमड़ता है। बंद आंखों में जैसे सपना बनकर वो चमकता है, बैठ अकेला मेरा अंतर्मन अक्सर ऐसे सोचा करता है। सजदा तो करना चाहूं मैं उसको, सजदा तो करना चाहूं मैं उसको, फिर क्यों हाथ में जड़ता है। बस मुझे दिखता है कि कैसे मेरा मनमोहना चांदनी रात में टहलता है। बैठ अकेला मेरा अंतर्मन अक्सर ऐसे सोचा करता है।